नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग बात करेंगे विमेन एम्पावरमेंट के बारे में। जब हम लोग तैयारी करते हैं एग्जाम्स वगैरह की, तो उसमें एसे आते हैं ना लिखने के लिए, तो ऐसे में विमेन एम्पावरमेंट जो है, विमेन से रिलेटेड टॉपिक जो है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं रूरल इंडिया के संदर्भ में, देहात अपना जो होता है। अच्छा, ये क्या है कि हमारे यहाँ पे एक ना एक कंसेप्ट बन गया है कि हम जब भी इस टाइप के जो मुद्दे हैं, वुमेन है ना, इस टाइप के जो जितने भी जेंडर इक्वालिटी और ये सब जितने भी इस टाइप से मुद्दे हैं, उनकी हम जब भी बातें करते हैं, तो हम लोग जो नोशन लेके चलते हैं, वो लेके चलते हैं वेस्ट का। उनके यहाँ पे जिस तरीके से वो लोग चीज़ों को ढाल रहे हैं और जिस तरीके से अपने हक में नई पॉलिसीज और नई प्रोग्राम्स बना रहे हैं, तो हम लोग सोचते हैं कि जैसा वहाँ पे उसी टाइप से हम भी, हमारे देश में भी वही चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन देखिए, ये सही नहीं है ना? क्योंकि हमारे यहाँ पे पहली बात तो जो एम्पावरमेंट, विमेन एम्पावरमेंट, हाँ बीच में कुछ चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से एक लैग आया है, एक पीछे कुछ गैप्स आए हैं, उनको फिल करने की ज़रूरत है और सरकार उन चीज़ों पर काम कर भी रही है। विमेन एम्पावरमेंट रूरल इंडिया के संदर्भ में मैं स्टोरी सुनाती हूँ आपको, और ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, एक मात्र स्टोरी नहीं है, इसके जैसी हजार लाखों करोड़ों कहानियां हैं जो हमारे देहात में हैं। हमें सिर्फ उनको समझने की जरूरत है, और उसके तहत विमेन एम्पावरमेंट किस तरीके से है, उसके लिए हमें एक नए डेफिनेशन क्रिएट करने की जरूरत है। देखिए, हमारे गांव में, हमारे घर के पास में एक थोड़ा सा, मतलब वहीं पर ही एक भाभी रहती हैं। उनकी मतलब मदर इन लॉ है, लेकिन वो एक दूसरे उनके भाई के पास रहती हैं। तो वो भाभी और उनके हस्बैंड और 5-6 बच्चे हैं उनके, ठीक है ना, 5 लड़कियां और एक बेटा। अब ये मत समझिएगा कि उनको फोर्स किया गया लड़कियां, लड़का पैदा करने के लिए। ये एक अलग स्टोरी है और एक अलग आइडिया है और एक अलग सोच है, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी बायस्ड होने की जरूरत नहीं कि पैट्रियार्की और वो सब जो एकदम से आइडियाज दिमाग में आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये स्टोरी की बात करते हैं। तो ऐसे तो क्या हुआ, वो सिंपल अपना घर में पशुपालन करती थी, डंगर जिसे कहते हैं नॉर्थ इंडिया में, और वो रखती थी भैंस वगैरह और अपना दूध थोड़ा सा बेचती थी। उनके हस्बैंड जो है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पे जाके वर्क करते थे। अब ये बात अब की नहीं, ये बात काफी साल पहले है। फिर क्या हुआ कि उनके जो हस्बैंड, उनका काम, उनकी थोड़ी तबीयत वबीयत खराब हो रही, क्योंकि डेली शाम को वो थोड़ा ड्रिंक करते थे, और फिर धीरे धीरे उन्होंने आना जाना वहां पे बंद कर दिया, मतलब उनका काम छूट गया। अब भाभी ने क्या, डंगर, अपने जो डंगर हैं या फिर अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनको थोड़ा सा इंक्रीज किया, फिर अपना पशुपालन जो था वो बढ़ाया। उसके बाद उन्होंने कुछ आइडिया लगाया, ये सब कुछ भाभी की सोच है, देखिएगा। और वो एक अनपढ़ अनपढ़ महिला है, राइट? बेटियों को, अपने बच्चों को वो लगातार पढ़ा रही हैं, सभी अपने स्कूल में जाती हैं, वहाँ का जो गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज है, उनके बच्चे उसके अंदर जा रहे हैं, अभी बाकी के बच्चे छोटे छोटे हैं। तो उसके बाद उन्होंने लगाया कि पास के थोड़े से दूर एक कस्बा, कस्बा क्या, गाँव ही कह लीजिए दूसरा, उसमें उन्होंने खेती ली चौथाई पे। चौथाई का मतलब होता है कि जो भी उसका जो प्रोड्यूस होगा, उसका फोर्थ, मतलब जो उसमें जो पैसा लगेगा वो तो लगेगा मालिक का, और वो जो प्रोड्यूस होगी, लेबर उनकी होगी, भाभी की मतलब, और जो प्रोड्यूस होगी उस प्रोड्यूस का फोर्थ जो पार्ट होगा वो भाभी को मिलेगा, समझ रहे हो? लेकिन ये सिर्फ ये एक इस तरीके से हेल्प नहीं होती, इसकी हेल्प अलग तरीके, बहुत सारे साथ में हेल्प आ जाती, वो भी मैं बताऊंगी आप लोगों को। इस तरीके से भाभी ने वो करना स्टार्ट किया। ये गांव देहात में चौथाई तिहाई है ना, आधा इस तरीके से ना जो खेती होती है वो बहुत ऐसे दी जाती है ना, ये बड़े काफी प्रचलित एक तरीके से मेथड्स हैं। अब वो भाभी ने वो लिया, आप ये देखिए, तो उनके हस्बैंड भी धीरे धीरे वहीं जाने लगे, फिर उनकी जो बेटियां हैं वो थोड़ी बड़ी होगी तो वो उनको भी उसमें ले जाने लगी, बेटा फिर थोड़ा बड़ा वो भी जाने लगा, और अभी उनकी स्थिति बहुत अच्छी है, 2 बेटियों की शादी कर चुकी हैं, है ना? ये सब कुछ सोच है सिर्फ उनकी भाभी की वजह से, मेहनत, समझ रहे हो आप लोग? 2 बेटियों की शादी कर दी, घर अपना अच्छा बना लिया, सरकारी जो है, उनकी थोड़ी जगह और पड़ी हुई थी, उसमें सरकारी जो है घर बनवाया है, सरकार से पूरा आवेदन करके और पूरा वो जो प्रक्रिया होती है वो सारी करके, ठीक है, और अब वो बहुत अच्छी अच्छी तरह से रहते हैं, और अच्छा उनका वेल टू डू काम उनका चल रहा है। एक तो बात हुई ये। अब मैं जो आपको कह रही थी कि उनकी जो और भी मदद आती है वो कैसे, जैसे वो उनके यहाँ पे काम कर रही हैं, अब काम करने से क्या है कि बिकॉज शी इज़ अ वेरी लेबोरियस वुमेन, बहुत ऑनेस्ट हैं, तो उन्होंने सारा अपना तो उसके बाद क्या, उनसे उनके इनफॉर्मल रिलेशन डेवलप हो जाते हैं, जैसे भाई आना जाना शादी ब्याह में, और देखते हैं कि भाई ये तो बहुत अच्छी और बहुत ईमानदार महिला है, तो बीच बीच में जब भी जरूरत होती है पैसे की, इनकेस, तो वो उनसे ले लेती थी, टाइम पे अपना लौटा दिया।
मार्केट में उनकी वैल्यू इंक्रीज हो गई, किसी से सामान लेकर आई, जाके देखा कि भाई ये तो सामान टाइम पे पैसा जो है दे देती है सामान का, वो भी उनको मिलने लगा। समझ रहे हो आप लोग? एक अच्छे काम, एक अच्छी सोच, मेहनत, ईमानदारी, और उसकी वजह से उनका जो लाइफ स्टाइल था वो तुरंत एकदम से चेंज हो गया। इतने अच्छे तरह से वो शायद पहले नहीं रहती थी जितने अच्छे तरह से वो अब रहती हैं। समझ रहे हो आप लोग? तो जब हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि वो एक पर्टिकुलर वो जॉब जो होता है जाके वो नौकरी करें और 9 से 5, नहीं। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि महिला सशक्त बने, महिला अपने निर्णय खुद ले, सही है, महिला अपने आप अपने घर के में किस तरीके से वैल्यू ऐड कर रही हैं और किस तरीके से अपने परिवार का उत्थान कर रही हैं और किस तरीके से देश की इकोनॉमी में भागीदार हैं, ये है विमेन एम्पावरमेंट। हालांकि इस सोच पे थोड़ा थोड़ा अभी इस सोच को लेकर आए, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, वो भी इसी टाइप का एक मुद्दा है जिसमें कुछ महिलाएं मिलके काम करती हैं, ठीक है ना। तो हम लोग जब एनवायरमेंट, गांव रूरल के जो एनवायरमेंट की बात करते हैं, अर्बन एनवायरमेंट की बात करते हैं, हम ये देख नोशन है, ये एक एक सोच है कि जो शिक्षित महिला और जो नौकरी करने वाली महिला है वो ही एम्पावरमेंट कर रही है, ये सोच बिल्कुल गलत है। शायद वो जो देहात में महिला है उसका भी उतना ही योगदान है जो डोमेस्टिक एनिमल्स के द्वारा इस देश की इकोनॉमी में अपनी भागीदारी दे रही है और अपने देश को चला रही है। आप गांव में देहात में जाके देखिए कि औरत घर में काम करती है, वो अपने जो उनके अगर खेत है तो खेत में बराबर का योगदान देती है। महिला कमजोर बिल्कुल नहीं है। हाँ, कुछ सोच है जिनको हमें चेंज करने की जरूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप जो मेरा मैं आपको समझाना चाह रही थी ये चीज़ें हम एस्से के अंदर लिख सकते हैं और इससे हम लोग और नज़रिए ला सकते हैं किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। नमस्कार।